ना कुछ पैसे चाहिए। पैसे? हाँ शोर डाली। हेलो, इसमें से निकाल लेना। कोड वही है ना? हाँ जाहिर। मेरी ना पॉकेट मनी भी बढ़ा तो मेरा गुजारा नहीं होता। अरे यार लास्ट मंथ 3 लाख दिए थे। 3 लाख दिए थे, 3 करोड़ नहीं। 12 शॉपिंग की खत्म हो गए। मेरा ये मतलब नहीं था। असल में बाबा मुझे जितने भी पैसे देते हैं उसमें से ज्यादातर तो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई खास जरूरत होती नहीं है। वो सिर्फ 3 लाख देते हैं तुम्हें? नहीं, देते तो ज्यादा है पर सब एक साथ तो नहीं खर्च कर सकते ना। क्यों खर्च करने के लिए खर्च करो? कभी कभी बाबा पूछ भी लेते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। तो वो जो पैसे देते हैं उसका हिसाब किताब भी रखते हैं? फारिया देखो, एक तो मैं प्रॉपर ऑफिस जाता नहीं, दूसरा कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली है, तो बाबा इतने भी दे देते हैं तो बहुत है। उनके पैसों पर पूरा हक है, तुम्हारा कोई एहसान नहीं करते। सबीन के साथ कुछ दिनों में जाऊंगी मैं पाकिस्तान टूर पे। 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, कोई बहाना ना करना, पहले ही बता रही हूँ। मैं तो अक्सर ये सोच के खामोश हो जाता हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं है तो क्या फायदा। मुझे तो पहले दिन से ही उसकी बेबाकी नापसंद थी। शादी से पहले कैसे ढंग के कपड़े पहनती थी, दुपट्टा भी ओढ़ती थी, मुझे तो शुरू से ही बनावटी लगती थी। आजी आपकी उम्र, आपका तजर्बा हमसे कहीं ज्यादा, इसलिए आपने दूर से उसकी नजरों को पहचान लिया था। हम तो उसकी मीठी मीठी बातों में ही फंस गए। ये उम्र भर का रिश्ता है, कोई खेल तो है नहीं कि नहीं पसंद आया तो खत्म कर दिया। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना कैसा बेटा, हमको समझाना ही पड़ेगा उसे। ऐसा करते हैं कि उसकी अम्मी को बुला लेते हैं, वो उससे बात कर ले। उसकी अम्मी बात करेंगी। देखा नहीं था उस रोज क्या सलूक किया था उसने अपने घर वालों के साथ? तो कोई तो समझाएगा ना। हम ही समझाएंगे बेटा, और कौन समझाएगा। न सिर्फ ये कि वो घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा नहीं लेती, उसका शौहर भी उससे खुश नहीं है। और फिर एक बात तो ऐसी है कि वो घर में तूफान भी खड़ा कर सकती है। क्या मतलब? मैंने कई बार देखा है कि वो शहबाज के साथ फ्री हो रही, और ये सब कुछ गलत है। वो उसका जेठ है, जेठ का एहतराम का रिश्ता है, कोई मजाक का रिश्ता नहीं है।